Hello student, how are you? In our previous lecture we start our fourth chapter, distribution of ocean and continent. Our fourth chapter is distribution of ocean and continent. In this chapter, we cover continent drift theory, this theory is proposed by Alfred Wegener, 1912, we study about this theory and next is convectional current theory. This theory is given by Arthur Holm, 1930, and next is seafloor spreading. This theory is given by Harry Hess, 1960-61, and after this final theory is called plate tectonics. This theory is coming 1967, and this theory given by Mackenzie, Morgan, Parker, Morgan. These three geographers are given this theory, plate tectonics. We study all about this. And we also study about major plates and minor plates. Today we start our last topic, movement of plates, rates of plate. But first we revision our plate topic. And now we study about types of plate boundary. Types of plate boundary. In previous lecture, we study three type of boundary. First is divergent plate boundary. Divergent plate boundary. Second is convergent plate boundary. And third is transform plate boundary. And divergent plate boundary. In this plate boundary, two type of land masses gushing opposite direction, and this lava is erupted from there and make a landform in ocean. This is divergent plate margin. ये divergent plate margin होता है. इसमें दो प्लेटें एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती हैं. कन्वर्जेंट में टू प्लेट मार्जिन ये एक दूसरे की सेम डायरेक्शन में कन्वर्ज करती है. ये एक प्लेट मार्जिन होगी, ये दूसरी प्लेट मार्जिन होगी. इस प्लेट मार्जिन में क्या बनता है? मिड ओशियनिक रिज. और सेकंड क्या बताया था हमने प्रीवियस वीडियो में? फोल्ड. इसमें सेकंड फोल्ड बनते हैं, फोल्ड लाइन. कॉन्वर्जेंट में क्या होता है? जब टू प्लेट आपस में एक दूसरे की तरफ आती है सेम डायरेक्शन में, तब वोल्केनो बनते हैं, अर्थक्वेक आता है, माउंटेन बनते हैं,
माउंटेन के बाद में ट्रेंचेस बनती हैं और ये कॉन्वर्जेंट कितने टाइप से हो सकता है? ये तीन टाइप से हो सकता है। फर्स्ट, अगर ये प्लेट दो आने वाली सामने वाली, एक तो हो कॉन्टिनेंट, दूसरी हो ओशियन। फर्स्ट तो ये हो गया इसका टाइप। सेकंड क्या होगा, एक कॉन्टिनेंट और सेकंड भी कॉन्टिनेंट, सेकंड ये हो गया। थर्ड हो गया हमारा ओशियनिक प्लेट और इस साइड से भी ओशियनिक प्लेट आए, तो हमारे थर्ड टाइप होगा। कॉन्वर्जेंट थ्री टाइप से हो सकता है, एक कॉन्टिनेंट प्लेट और एक ओशियन प्लेट से, कॉन्टिनेंट और कॉन्टिनेंट से, ओशियन और ओशियन से। और इसमें हमें क्या क्या बनेंगे, वोल्केनो, अर्थक्वेक, माउंटेन और ट्रेंचेस। ट्रांसफॉर्म प्लेट मार्जिन में क्या होता है, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री में, ये एक प्रकार की, ना ही तो इसमें कुछ डिस्ट्रॉय होता है और ना ही कुछ इसमें नया बनता है, ये एक प्रकार की न्यूट्रल बाउंड्री है। इस बाउंड्री से ये ओशनिक रिज के बिल्कुल पैरेलल में होती है और ये कोई मूवमेंट नहीं होती। ओके स्टूडेंट, अब हम इससे आगे स्टडी करते हैं रेट ऑफ प्लेट मूवमेंट के बारे में। पीछे का रिपीट करना जरूरी होता है क्योंकि इसके बिना आगे का समझ में नहीं आता। रेट ऑफ प्लेट मूवमेंट, रेट ऑफ प्लेट मूवमेंट, द स्ट्रिप ऑफ द स्ट्रिप्स ऑफ नॉर्मल एंड रिवर्स मैग्नेटिक फील्ड द स्ट्रिप्स ऑफ नॉर्मल एंड रिवर्स मैग्नेटिक फील्ड दैट द पैरेलल ऑफ मिड ओशियनिक रिज हेल्प द साइंटिस्ट टू डिटरमाइन द रेट ऑफ प्लेट मूवमेंट। जो मिड ओशनिक रिज के दोनों ओर मैग्नेटिक फील्ड है, ये हो गए इस साइड, ये हो गए मिड ओशनिक रिज, एक साइड में ये मैग्नेटिक फील्ड है, इसके मैग्नेटिक फील्ड ही बोलते हैं, ये हमारी हेल्प करती है ऑब्जर्व करने में कि कौन सा कॉन्टिनेंट किस साइड में फ्लो कर रहा है, कौन सी प्लेट किस साइड में फ्लो कर रही है। इसके बाद में सबसे फास्टेस्ट रेट है, सबसे स्लोएस्ट वो है आर्कटिक रिज का, जिसकी स्पीड 2.5 सेंटीमीटर पर ईयर है। और सबसे फास्टेस्ट प्लेट मूवमेंट कौन सी है, सबसे फास्टेस्ट रेट ऑफ प्लेट मूवमेंट वो है ईरेस्ट आइलैंड है। इसका नाम आप थोड़ा बुक से एक बार कंफर्म कर लें। इसकी स्पीड है 15 सेंटीमीटर पर ईयर, एक साल में सिर्फ इतने सेंटीमीटर ही सरकती है। ये चिली से 34,000 किलोमीटर वेस्ट में है, पैसिफिक ओशियन में। अब बात करते हैं इसमें कौन सा फोर्स लगता है प्लेट टेक्टोनिक्स में, जिस कारण
ये सब कुछ होता है। हमने बताया था कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट थ्योरी थी जो अल्फ्रेड वैगनर ने दी थी, उसमें कौन सा फोर्स था जिसके कारण उन्होंने उसको एक्सप्लेन किया, वो आपको याद होना चाहिए। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं प्लेट टेक्टोनिक्स की, फोर्स फॉर मूवमेंट ऑफ प्लेट प्लेट्स। इसमें अल्फ्रेड वैगनर ने अपने समय में बताया कि जो अर्थ है और इसका इंटीरियर पार्ट है वो सॉलिड है और वो स्टैटिक है एक स्थान पे, कोई भी उसमें मोशन नहीं है, मोशनलेस स्टैटिक सॉलिड बॉडी है अर्थ। लेकिन जब हैरी हेस और आर्थर होम्स ने अपना थ्योरी दी थी कॉन्वेक्शनल करंट एंड सी फ्लोर स्प्रेडिंग, उसमें बताया गया था कि जो अर्थ है वो स्टैटिक नहीं है, वो डायनेमिक है, उसमें चेंज होता रहता है ऊपरी सतह से निचली सतह में, और अर्थ की जो नीचे है वो लिक्विड रूप में है, वो जब बाहर आता है और बाहर आके अर्थ की क्रस्ट पे ठंडा हो जाता है तो वो क्या है, एक रेडियो एक्टिव पदार्थ है, और वही अर्थ से बाहर आता है। ये किस कारण है मेन, तो एक तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट, और रेडियोएक्टिव मटेरियल। ये इसमें दो प्रकार के मटेरियल है जो अर्थ से बाहर आते हैं, बाहर आके ये क्रस्ट पे जमते हैं, इसी को ही कन्वेक्शनल फ्लो बोलते हैं। और इसके ऊपर सबसे पहले थ्योरी भी आई थी जो 1930 में आर्थर होम्स ने दी थी, इसी से हमें इसके बारे में कुछ पता चला कि जो अर्थ के क्रस्ट से बाहर आता है और वो अर्थ क्या ऊपर आके कूल हो जाता है। आर्थर होम के बाद में इसको दिया था सी फ्लोर स्प्रेडिंग ने, इसमें भी यही बताया गया था कि इसी के कारण जब मटेरियल अर्थ के ऊपर बाहर निकलता है क्रस्ट पे तो अर्थ की क्रस्ट सेपरेट होने लगती है, उसमें फैलाव आ जाता है, और इसी के कारण सबसे लास्ट में हमारी थ्योरी आई थी प्लेट टेक्टोनिक्स की थ्योरी। और ये भी सभी इसी के ऊपर बेस्ड थी। इसमें हमें फोर्स एक ही है मेन, जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है वो अर्थ की क्रस्ट पे आते हैं और यही इसमें तनाव पैदा करते हैं। ओके, अब इसके बाद में हम बात करते हैं मूवमेंट ऑफ इंडियन प्लेट। मूवमेंट ऑफ इंडियन प्लेट को समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इंडियन प्लेट में कौन कौन से एरिया शामिल है। इंडियन प्लेट में पेनिनसुलर इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ये शामिल है। अब बात करते हैं इसकी मूवमेंट की। मूवमेंट में क्या होगा, जब
इंडियन प्लेट की तो मूवमेंट इस साइड है और इसके आगे यूरेशियन प्लेट है उसकी मूवमेंट भी इस साइड है। अगर दो प्लेटें एक दूसरे की ओर आए तो इसको कॉन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री बोलते हैं। ये दोनों आपस में कॉन्वर्जेंस हो रही हैं, एक साइड से इंडियन प्लेट और सेकंड साइड से यूरेशियन प्लेट, एंड इसको तिब्बतन प्लेट भी बोलते हैं छोटे रूप में तिब्बतन प्लेट। मैंने बताया था जब कॉन्वर्जेंट प्लेट हो, प्लेट बाउंड्री हो, तब क्या होता है, अर्थक्वेक आता है, वोल्केनो, ट्रेंचेस और माउंटेन। अर्थक्वेक और वोल्केनो तो उस टाइम पीछे लगभग 250 मिलियन ईयर साल पहले आए होंगे, लेकिन इसके अंदर हमें क्या मिलती है, ट्रेंचेस और माउंटेन। वो किस प्रकार से ट्रेंचेस और माउंटेन मिलते हैं, सबसे पहले तो हम बताते हैं, ये है डायग्राम इंडिया का, ये यहां पे हिमालयन माउंटेन है, ये है म्यांमार के साथ, और ये ऑस्ट्रेलिया नीचे का, या इतना इतना पार्ट है इंडियन प्लेट कहलाता है। इस साइड में यूरेशियन प्लेट, ये है इंडियन प्लेट, ये हो गया हिमालय पर्वत, हिमालयन माउंटेन। ये आपके बुक में दे रखा है अराकानयुमा, कानयुमा लिख रखा है, ये हिमालय माउंटेन ही है, इसको म्यांमार में कानयुमा बोलते हैं। ये हो गया हिमालयन माउंटेन, और इसके बाद में ये हो गया सुलेमान, और यहां पे इंडोनेशिया, सुमात्रा और जावा, ये है जावा ट्रेंच जो कि ओशियन के अंदर है। मैंने बताया था जब दो प्लेटें आपस में एक दूसरे से कन्वर्जेंस हो तो क्या होगा, एक प्लेट दूसरी के ऊपर चली जाएगी और तभी माउंटेन्स बनेंगे और ट्रेंचेस बनेंगे। माउंटेन कौन कौन से बने हैं, हिमालयन माउंटेन, अराकानयुमा कानयुमा माउंटेन, सुलेमान माउंटेन, किर्थर माउंटेन, सुलेमान किर्थर माउंटेन, और ये होगी जावा ट्रेंच। ये सब किस कारण बने हैं, ये जब दो प्लेटें एक दूसरे की ओर कन्वर्जेंस हुई हैं, इस कारण हमें ये माउंटेन और ट्रेंचेस मिली हैं। अब बात करते हैं क्या प्रीवियस ईयर्स में भी इंडिया की कंडीशन ऐसी थी, बिल्कुल ऐसा नहीं है। इंडिया अब भी मूव कर रहा है नॉर्थ साइड में, नॉर्थ ईस्ट साइड में, इंडिया की स्पीड और माउंटेन, हिमालयन माउंटेन अब भी अपलिफ्टिंग हो रहा है। लगभग 225 मिलियन ईयर एगो इंडिया एक टैथिस सी के पास लगने वाला एक विशाल आइसलैंड था जो कि गोंडवाना का हिस्सा था। ये आपको थोड़ा मैप के अनुसार बता देते हैं, इंडियन प्लेट, इंडिया यहां पे था उसमें 225 ईयर पहले, ये था इंडिया और ऑस्ट्रेलिया से बहुत दूर था।
लेकिन 225 मिलियन ईयर पहले, लेकिन 220 मिलियन ईयर बाद पहले, इसके 5 साल बाद, ये अब से आज से 225 मिलियन ईयर पहले की बातें बता रही हैं। फिर 220 मिलियन ईयर एगो इसमें क्या हुआ, पेंजिया में ब्रेक होना स्टार्ट होगा। पेंजिया में ब्रेक होने के बाद इंडिया अपनी जर्नी स्टार्ट कर चुका था नॉर्थ की तरफ, और नॉर्थ की तरफ जाते हुए इंडिया में, और फिर 60-70 मिलियन ईयर है वो इंडिया इक्वेटर लाइन को क्रॉस कर चुका था, जो कि आप डायग्राम में देख सकते हो, आपकी बुक में दे रखा होगा। ये इस तरह आगे तरफ जाता रहा, वो फिर 40 मिलियन ईयर है वो आज से 40 मिलियन ईयर है वो जो इंडिया था वो यूरेशिया से मिल चुका था, और आज से 10 मिलियन ईयर पहले बिल्कुल आज की प्रेजेंट ईयर पोजीशन में आ गया था, और उसी समय हिमालयन माउंटेन का निर्माण आरंभ हो गया था। यह सब कुछ मूवमेंट ऑफ इंडियन प्लेट है, किस तरह से मूवमेंट हुई, कौन सी सदी में, आप इसको बुक से पढ़ोगे तो आपके अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आए तो मैं इसको दोबारा करा दूंगा। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।